बिजी के अंदर आइटम को या अकाउंट को ब्लॉक या अनब्लॉक कैसे किया जाता है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। यहां पर दोनों का प्रोसेस सेम है। हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूटिलिटीज, यहां पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक अकाउंट एंड आइटम, इसको ओपन करेंगे। अब अगर आप अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, वहीं अगर आप आइटम को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आइटम को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम अकाउंट को ब्लॉक करना सीखते हैं। यहां पर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी अकाउंट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं उसका नाम यहां पर डालेंगे। ब्लॉक मास्टर अभी नो है तो अकाउंट अभी अनब्लॉक्ड है, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये हमसे पूछता है कि अकाउंट आप किस चीज़ के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं। सेल के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, परचेज के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, पेमेंट या रिसिप्ट या और भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अगर आप अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टेड, और जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप ब्लॉक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। वहीं अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट को हम बिल्कुल ही ब्लॉक कर दें, ना तो उसमें सेल हो, ना परचेज हो, ना पेमेंट हो, ना रिसिप्ट हो, तो उस चीज़ के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑल को, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पर हम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उस अकाउंट का नाम यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर है ब्लॉक मास्टर यस, तो जो अकाउंट का स्टेटस है वो ब्लॉक्ड है, इसको अनब्लॉक करने के लिए नो करेंगे और सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। सेम ऑप्शन आपको आइटम के लिए मिल जाएंगे, बस यहाँ पर आपको आइटम सेलेक्ट करना है, उस आइटम का नाम यहाँ पर डालना है। अब सेम जैसे हमने अकाउंट को ब्लॉक किया था वैसे ही हम आइटम को भी ब्लॉक करेंगे और अनब्लॉक करेंगे।